चिकित्सक को भगवान का रूप कहा जाता है। शायद पृथ्वी पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको भगवान से बराबरी का दर्जा दिया गया हो। लेकिन चिकित्सक भी अगर जाति देखकर या धर्म देखकर बात करें तो भगवान और उनकी बराबरी करना, चिकित्सकों की बराबरी करना थोड़ा गलत लगता है। बाड़मेर में एक ऐसी घटना हुई, आज जिला कलेक्टर से लगा कि सारे लोगों तक, जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन तक ये लोग पहुँचे हैं, शिकायत की है कि चिकित्सक ने उनकी जाति पूछी और जाति पूछने के बाद उनको पता नहीं कि सामने जो मरीज़ है वो उस जाति का है जिस जाति से वो नफ़रत करते हैं या उनको पसंद नहीं करते, और उनके साथ जो बर्ताव हुआ उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। और अगर जिला प्रशासन, राज्य सरकार, ज़िम्मेदार नेता ये वीडियो देखें तो नैतिकता अगर उनमें थोड़ी बहुत है तो कम से कम ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करें। जो नाम क्या है सर? मेरा नाम वासुदान है। पढ़ते हैं आप? जी मैं तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की, और जयपुर में रह के तैयारी कर रहा हूँ। कंपटीशन किस बात की? जी सर कंपटीशन यही सर्विस के लिए, नौकरी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ जयपुर में, और कोचिंग भी ले रहा था अभी हाल फिलहाल में, कोचिंग ले रहा था और वहाँ से मेरा मतलब रेलवे में आने जाने में परेशानी हो रखी है मेरे को, होती थी तो मैं इसीलिए मेरे को मतलब सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, विकलांग की सर्टिफिकेट की, जो मेरे को पहले मतलब मेन तो सर्टिफिकेट दिया गया है जो यहीं के मतलब बाड़मेर के डॉक्टर हैं चिकित्सालय के, जो श्रीमान सुरेंद्र कुमार चौधरी, जिन्होंने द्वारा ही मेरे को पहले 2010-11 में वो मैंने बनवाया था उन्हीं से ही मतलब इसका सर्टिफिकेट, तो वो मैं लेने के लिए वापस मतलब दूसरा रेलवे का मैं सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया विकलांग का यहाँ पे, तो उनके द्वारा बताया गया, तो मैं मेरे को मतलब एक्सरे का बताया गया, तो मैंने वहाँ से एक्सरे करवा के मैं जब उनके पास में गया तो उन्होंने मतलब मेरे को पहले तो मेरा नाम पूछा कि भाई आप किस नाम, आपका नाम, तो नाम देख के उन्होंने जैसे मेरा नाम वासुदान था तो उन्होंने फाइल मेरे सामने से फेंक दी, तो मैंने पूछा भाई सर क्या कारण है इसका, तो कह कोई कारण नहीं है मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, तो मैं सर आपने जब मेरे को ये एक्सरे का सर्टिफिकेट मंगवाया, एक्सरे बुलाया, आपने मेरे को सर्टिफिकेट दे कर मंगवाया, मैं यहाँ पे जयपुर से यहाँ पे इतनी तक यहाँ से आया तो मेरे को परेशानी हो रही है, आपने मेरे को पहले 40% का दे रखा है, तो 40% का दे रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बार बार तेरे को दूंगा, मेरे पास नहीं है, जो तेरे को करना वो कर दे, तो मैंने कहा सर आप रिक्वेस्ट है मेरी, मैं आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, तो मतलब गाली खड़ा होकर वहीं से टेबल से खड़े होकर हाथ उठाने की कोशिश की और गाली गलौज कर रहे मेरे से, तो मैंने पूछा भाई आप ये तरीका सर आपका अशोभनीय, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा आप इस तरीके, तो तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा, मेरे पीछे के पूरा जैक लगा रखा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब बिल्कुल यूँ जातिगत मतलब गाली गलौज करने पे उतारू हो गए। फिर इससे पहले जितनी बार आप सर्टिफिकेट इन्होंने बनाया आपका कहना है, तो पहले गए तब ऐसे व्यवहार था या इस बार ही ऐसा हो गया ऐसे संयोग से? जितनी बार इनके पास गया था पिछली बार भी मेरे को काफ़ी परेशान किया गया था, फिर मैं इधर उधर से कुछ भी मैंने भी मेरी वो लगा कि जैसे मैंने करवा के इनसे कही, तो मैंने जा मैं भैया अगर नहीं हो तो आप बोर्ड बिठा के पता लगाओ सब कुछ करो, तो उसके बाद उनके ऊपर इन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट वो ही बना के लिया, तो फिर मैंने उनको बताया कि भैया जब ये 40% का आपने मेरे को पहले सर्टिफिकेट दे रखा है तो फिर अभी आपको क्या तकलीफ आ रही है, तो मतलब उन्होंने अपना यहाँ का राजनीति तो दबदबा जमा के बैठे और मतलब गाली गलौज पे उतार कर कह दिया कि मेरा यहाँ पे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मैंने भी कहा कि भाई मैं अगर ऊपर लेवल पे जाके ये शिकायत करूंगा आप मेरी क्यों नहीं ऐसी बात कर रहे हो, तो मतलब उन्होंने गाली गलौज कर दी कि जो तेरे को खाना उखाड़ दे तेरा, कि मैं तेरे को यहाँ रहने नहीं दूंगा, और यहाँ तक कह दिया कि ये तेरा जो सर्टिफिकेट है इसको मैं सर्टिफिकेट तेरा कैंसिल करवा दूंगा, हड्डी पसली तोड़वा दूंगा, तो मैंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा, मैं कानूनी कार्रवाई तो कर लूँ फिर, जो होगा आप जो सर्टिफिकेट करवाना तो कैंसिल करा दो फिर किसी दूसरे लोगों के माध्यम से भी। तो आप कलेक्टर से मिले, ये भी हमने सुना कि आप कलेक्टर से मिले और कलेक्टर से भी शिकायत की कि क्या हुआ है आपके साथ? जी कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया मेरे को, मेरी बात रखी मेरे को बात का मतलब पूछा कि भाई आपके सामने क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरे को माँ बहन तक गाली दे दी और यहाँ तक उतार हो गया कि भाई मैं तेरी माँ ने तेरे को दूध पिलाया तो तू करवा के दिखा देना राजस्थान में कहीं पर भी मेरे को सिग्नेचर करवा के दिखा देना फिर मैं तेरे को बता दूंगा, और फिर मेरे को ये समझ में नहीं आती कि सर्टिफिकेट उन्होंने ही बनाया, सर्टिफिकेट आपका रिन्यू भी उन्होंने किया होगा, तो वो इस तरीके से क्यों भड़के हुए थे, क्या कोई उनकी पीड़ा थी इससे पहले, कोई आपका टशन थी कोई इस तरह की कि भाई आप आएंगे तो झगड़ा करेंगे, क्या वजह क्या मानते, या
आपको कुछ पता चला, आप उस दौरान बातचीत में आपको पता चला कि आपकी वजह से क्या गलती रही जिसकी वजह से चिकित्सक इस तरीके से भड़क गए? मेरे को तो सर ऐसे ही लग रहा गया कोई राजनीतिक दबदबा हो इनका, या इनका कोई व्यक्तिगत यहाँ पे कोई रोफ चल रहा हो, तो मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो एक साधारण सा स्टूडेंट हूँ और मेरा तो कोई इन चीज़ों से लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखता हूँ और मैं तो मेरा मतलब सवाल को प्रश्न हल करवाने के लिए आया था भाई, मेरे अगर सहायता मिले और मेरे अगर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आजकल ट्रेनों में भी बहुत मारामारी हो रही है, मैंने कहा मेरे को आसानी से आया जा सकता। आप स्टूडेंट है और सहूलियत मांगने गए? जी मैं सहूलियत, बाकी मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है कि भाई मैं किसी चीज़ से कुछ लेना देना है, मैं तो ऐसे मतलब सिग्नेचर करा गया, वो उनका जो मैंने मतलब उनके जो जिस तरीके से बात करने का टोन वोन मैंने देखा उस तरीके से, या तो इनकी कोई इनमें मतलब जो हॉस्पिटल में कहीं तानाशाही चल रही है तो भी मुझे इस चीज़ की जानकारी। मुझे एक चीज़ बताइए कि पीएमओ वहाँ बैठते हैं, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र भाटिया साहब हैं वर्तमान में, उनसे आप मिले थे, उन्होंने क्या कहा? जी उनसे भी मिला था, उनसे भी बात रखी थी, आश्वासन तो सभी ने दिया है। उन्होंने क्या कहा आप जब आपने कहा कि डॉक्टर साहब इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं? एक्चुअली उस टाइम तो वो कहीं पे बाहर गए हुए थे, इनके कोई मीटिंग चल रही थी तो वहाँ पे गया, तो उसके बाद में मैं मिला था, तो मैंने मतलब इनके रवैये से ये देख लिया था कि भाई प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन काफ़ी कुछ मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो मैं भी आहत होकर फिर मैंने कहा भैया अगर ये इस तरीके से मतलब अपनी सहायता नहीं कर रहे तो मैं सीधा कलेक्टर साहब से ही जाके मिला, मैंने मेरी बात सीधी कलेक्टर साहब को ही रखी है और मैं आगे भी यही कानूनी कार्रवाई के लिए मैं आगे भी जाऊंगा, आगे मेरी पूरी जो हुई कोशिश करूंगा, उसके बाद तो देखो जो होता है वो जो देखते क्या होता है, राजनीति किसके साथ है। दुष्यंत कुमार साहब लिख के गए कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ बाड़मेर अस्पताल में एक या दो या चार या पाँच नहीं दर्जनों मरीजों ने शिकायत की, एक बार नहीं कई बार की, लेकिन आक्रामक है चिकित्सक है, उनका हर बार जिस तरीके से रवैया सामने आता है इस पेशे पे, इस पेशे से जुड़े हुए जो ईमानदार लोग हैं उनको इस वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि एक युवा चिकित्सक जो देश के मरीजों की सेवा करने के लिए चुना गया वो इस तरीके से बर्ताव करें। जाँच होनी चाहिए, अगर जिम्मेदार लोगों को इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा कि वो चिकित्सा सेवा जो एक बुनियादी ज़रूरत है उसमें सुधार करें, उस पर नज़र रखें, लेकिन बार बार इस तरीके से जिला कलेक्टर के पास शिकायतें पहुंचती है इस डॉक्टर की लेकिन दब जाती है। राजनीति बड़ी ताकतवर चीज़ है और इसीलिए इन्होंने जिस तरीके से भी बात की कि जाति पूछा उसके बाद बर्ताव किया, ये ठीक नहीं है। जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, निभानी होगी, वरना जनता है, परेशान होना उनका काम है। आज शिकायत कर दी, शायद फिर से दब जाए, लेकिन सवाल हर बार खड़े होंगे कि जिम्मेदार जिला कलेक्टर हर बार इस चिकित्सक की शिकायत को कहाँ दबा देते हैं, फाइल कहाँ है जहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है इसलिए आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। बाड़मेर टाइम्स के लिए दुर्ग सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर।